नमस्कार। सोशल मीडिया खोलिले प्रति मुहूर्त रे अनेक फोटो वीडियो और मेसेज भाइराल होउछी। आपण से सब मेसेज और वीडियो को ने द्वंद्व रे पड़ु थाई पारंती। द्वंद्व एथिपाई कि केऊ खबर ठीक केऊ खबर भूल। आ वर्तमान कोरोना समय रे कोरोना को ने अनेक खबर आपण को द्वंद्व रे पकाउ थाई पारे। से द्वंद्व दूर करबा पे हमर खास कार्यक्रम खबर ठीक। तो आज एपिसोड में आम से सब भाइराल खबर सत उपर परदा उठाइबा जो दावी करा श्वासक्रिया रोगी बापी हेबा अम्लजान स्तर 20 सेकेंड पर्यंत निश्वास रोकंतु 21 थर। कोरोना चिकित्सा पाई डाक्तर अजब जुक्ति ताली मारे बढ़िबो रोग प्रतिरोधक शक्ति। फ्रिज डोर में रही ब्लैक फंगस महामारी फ्रिज्र मईलू कौन हेबा ब्लैक फंगस। सोशल मीडिया रे ऑक्सीमीटर स्कैम बाजार रे नकली ऑक्सीमीटर बिक्री होतबा दाबी। कोन 20 सेकंड पर्यंत निश्वास रोकी कोरोना भाइरस रो संपर्क रे सूचना मिली पारिबो। जदि एहा ठीक तबे वर्तमान समय रे एहा थारो भलो खबर आ कोन हि पारे। सोशल मीडिया रे एक वीडियो भाइराल हेउछि जेंथरे दाबी करा जाउछि कि श्वासक्रिया बंद रखी जानी हेबो आपण को कोरोना होई ना नहीं। जदि यह संभव तबे महामारी कोरोना शरीर में प्रवेश करिबा आगरु एहाकु चिन्हट करा जाई पारिबो। दाबी करा जाउछि कि एही उपाय रे कोरोना आक्रांत को जानी हेबो। कोनि दाबीर सत देश दुनिया रे एबे कोरोना भाइरस रो भय आ सोशल मीडिया रे एही महामारी को जानिबा कुने नुआ नुआ तरीका भाइराल हेउछि। देखंतु ए भाइराल वीडियो। खुसफुस अम्लजान क्षमता केते रहिछि ताहा जानिबा पई आपण मध्य एही टेस्ट हुए त करि थई पारंती। सोशल मीडिया रे छाई जाइथिबा ए वीडियो किंबा एहा सहित सामंजस्य रखुथिबा किछि वीडियो आपणक पाखरे पहुँचिथिबो निश्चय। ए वीडियो सहित भाइराल हेउछि कि फुसफुस रे अम्लजान क्षमता परीक्षा। फुसफुस रो सुरक्षा पई आसीगला नुआ उपाय। एही परीक्षा दिन को 21 थर करंतु कोरोना सह लढिबा पई आपणकु साहाज्य करिबो। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया रे अनेक डाक्तरन को अनुसार एही भाइरस सीधा सड़क मनुष्य फुसफुस को आक्रमण करिथाय जेउथि पई श्वासक्रिया रे कष्ट होइथाय। एथि पई चिकित्सा समय रे श्वासक्रिया पई वेंटिलेटर रा आवश्यकता पड़िथाय। एभली परिस्थिति रे अम्लजान स्तर जानिबा पई एते सरल उपाय मनरे नाना प्रश्न सृष्टि करुछि निश्चय। एमितरे प्रश्न उठुछि कि श्वासक्रिया रोकी अम्लजान स्तर कण मपा जाई पारिबो। कोरोना आक्रांत कण श्वासक्रिया रोकी पारिबो नाही। एही उपाय रे फुसफुस कण मजबूत होइथाय। तनु एही सबु दाबीर जांच करबा जरूरी कारण कोविड-19 रा संक्रमण प्रति मुहूर्त रे घातक हेबार लागिछि। दावी रो सत जानिबा को आमे डाक्टर सूर्यकांतंक सह संपर्क कलु आ सीधा पचारिलु कोन भाइराल वीडियो तरीका अपनाई फुसफुस रे अम्लजान स्तर संपर्क रे जानि पारिबा। सांस रोक लेने का कोरोना होने या न होने से कोई संबंध नहीं। कोरोना कैसे होगा? कोरोना के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका कोरोना पेशेंट से एक्सपोजर और दूसरा आपकी इम्यूनिटी। अब इस आपकी बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर फर्क निर्भर करता है कि कोरोना होगा या नहीं होगा। ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि आप 10 सेकंड तक सांस रोक लेते हैं या ज़्यादा सांस रोक लेते हैं। हाँ, ये कितनी देर तक आप सांस रोक लेते हैं ये दिखाता है कि आपका फेफड़े का स्टेमिना कितना है। ये बात सही है। तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, मैं सांस रोके रख सकता हूँ बहुत देर तक, यानी मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, मेरे फेफड़े का स्टेमिना ठीक चल रहा है। कोरोना जोगो फुसफुस रे धड़ा दाग पड़ी जाए, अम्लजान प्रवाह रे बाधा सृष्टि हुए। फुसफुस रे 50-70% संक्रमित करी थाए कोरोना रा नुआ स्ट्रेन। आक्रांत को श्वासक्रिया रे समस्या सृष्टि हुए, सेते बेले कोरोना रोगी को हॉस्पिटल नेबा को पड़ी थाए। कोरोना में ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाए, तो ज्यादातर केसेस में कोरोना माइल्ड होता है। माइल्ड कोरोना में खाली फीवर होता है, बॉडी एच होता है, वीकनेस होता है, मे बी आंखें लाल हो जाती है एंड कमजोरी रहना। लेकिन अगर ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जाता है कि जब भी लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो पेशेंट को खांसी होती है, दम होता है और ऑक्सीजन के लेवल ड्रॉप होने लगते हैं और यही सिचुएशन में ऑक्सीजन लेना जरूरी है।
एबे स्पष्ट होइगला कि एही तरीका रे फुसफुस रे ऑक्सीजन स्तर जना पड़िबो नाही। आम जांच रे आउ टिके सहाय्य कला भारत सरकार को प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो। कोरोना रे संक्रमित होउछंती अनेक युवक जो माने अति सहज रे 10 सेकंड रु अधिक समय पर्यंत श्वासक्रिया रोकिबारे समर्थ होंते, किंतु वयसाधिक व्यक्ति एहा करि परंते नाही। एथरु स्पष्ट होइगला कि एही उपाय ठीक नुहे। रक्त रे ऑक्सीजन स्तर मापिबा पई ऑक्सीमीटर रो व्यवहार करा जाय थाए। एही टेस्ट रे डिवाइस रे अंगुली रखिबा को पड़ी थाए। एहा परे अम्लजन स्तर संग को हृस्पंदन मध्य सुचाई थाए। एक कथा सत कि जेउ भली भाबरे कोरोना भाइरस व्यापी छि, ठीक सेमिति एही वायरल वीडियो सबुआडे खेली जाय छि, किंतु आमर जांच रे एही दाबीर सत खोजिबा को अधिक समय लागिला नाही। आ निश्वास रोकी कोरोना संक्रमण होई छि कि नाही जानिबा सहज नुहे। वायरल वीडियो खबर फुल अटे। कोरोना रो हेतुवा मृत्यु समस्त को भयभीत कर देछि, तेणु जेकोसी व्यक्ति एही भाइरस रो बंचिबा को चेष्टा करिथाय। अधिकांश लोक घरे ही नुआ नुआ उपाय अपनाउछन्ते, काढ़ा पीवा, जोग करिबा, प्रोटीनयुक्त खाद्य खाइबा, एमिति केते कोन। किंतु एहा सहित सोशल मीडिया रे कोरोना को ठीक करा जाय परथुबा दाबी करा जाय, अनेक वीडियो वायरल होउछि। जेउंतरे एक वीडियो रे कुहा जाय छि जे आपणकर दुई हात द्वारा करा जाय परिबो कोरोना रो चिकित्सा। तेबे कोन सतरे कोरोना चिकित्सा रो उपाय आम हात रे ही अछि ना एहा केवल एक मनर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी जाए। एमितरे कोरोना भाइरस दाउरु बंचिबा पई शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबा को अनेक घरोई उपाय अपना जाउछे। लोके जोग करि निजर जत्न नेउछन्ते, किंतु एमिति ताली मारी कोरोना को मात देबार दाबी मिछ नुहे। त एथि पई आमे आमर जांच करू, सीधा डाक्तरनक सह जोगाजोग करू। वीडियो रे जो बयान देखा जाइछे ता अक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति। आक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति रोगग्रस्त शरीर पर अनेक उपयोगी, यह सहित आम शरीर सुस्थता प्रयोग कर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। हेली का ये हिस्सा लंग यानी कि फेफड़ों को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जब हम इससे भी प्रेशर डालते हैं या दबाव डालते हैं या हम सील लगाते हैं या हम ताली बजाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने लंग्स या फेफड़ों की तरफ एनर्जी के फ्लो को या फिर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हाथ और पाद रे एमिति किछि पॉइंट रहिछि जेउटी शरीर रे केतेक गुरुत्वपूर्ण अंग सहित संयोग थाए। एमिति रे हाथ रे सेई सब पॉइंट द्वारा शरीर को सुस्थ रखा जाई पारे। ये रिस्ट क्रीज है, इस रिस्ट क्रीज का ये जो अंतिम बिंदु है ये लंग नाइन के नाम से जाना जाता है एक्यूपंचर में। लंग नाइन दोस्तों हमारी एक्यूपंचर पद्धति का लंग का एक सोर्स पॉइंट है और हमारे लंग को रिवाइव तक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगी कि ये सभी तरीके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में घर बैठे ही बहुत उपयोगी है और कोरोना के प्रभाव को कम करने में भी बहुत लाभदायक है। आम हाथ में जो आक्यूप्रेशर पॉइंट थाए ताकु दबाइले शरीर उपरे प्रभाव पकाई थाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए, एमिती कि फुसफुस उपरे मध्य प्रभाव पकाई थाए जहाँ इम्यूनिटी बुस्ट करिबारे काम करी थाए। यार अर्थ न्यूज 18 रो जांच रे एक कथा स्पष्ट होइगला कि एही व्यायाम जरिया रे इम्यूनिटी तो बढ़ी थाए, किंतु कोरोना केबे हेबो नाही बोली करा जाउथुबा दाबी भूल अटे। कार्यक्रम रे समय होइछ एक ब्रेक र, फेरिले जानिबा आउ एक वायरल खबर र पछर सत जेंथरे दाबी करा जाउ। फ्रिज डोर रे रहिछि ब्लैक फंगस महामारी, फ्रिज र मैला रु कोन हेबो ब्लैक फंगस। परे मिकोरमाइसिस माने ब्लैक फंगस र आक्रांत होछन्ते अनेक। चिंतार कथा हला दिन कु दिन ब्लैक फंगस मामला लगातार बढ़ुछे, अनेक राज्य रे एहाकु महामारी घोषणा करा जाइछे। एही बेमारी एबे सोशल मीडिया रे मध्य वायरल। दावी करा जाइछे कि ब्लैक फंगस आपणक घरे ही अछि आ केते बेले भी संक्रमण करि पारे। कौन है खबर सत?
सावधान, आपणको फ्रिज आपणको बहुत बड़ रोग रे पकाई पारे। कारण आपणको फ्रिज रे ब्लैक फंगस नामक रोग रहिछि। यह ब्लैक फंगस जहाँ को अनेक राज्य रे महामारी घोषणा करा दैछि। एक खतरनाक दाबी पछरे रहिछि एक भाइराल मेसेज जहाँ सोशल मीडिया रे हईचई सृष्टि करिछि। मेसेज रे कुहा जाइछि आपण आपणक घरर फ्रिज कबाट खोलंतु, एथिरे एक रबर देखिबाकु पाइबे। जदि आपण ई रबर रो कळा फंगस देखुछंती तबे संगे संगे याकु सफा करंतु। केवल सेतिकि नुहे, सबुबेले एहार सफेई प्रति मध्य ध्यान दियंतु। रबर उपरे जो कळा रंग देखुछंती एहा ही हेउछि म्यूकरमाइकोसिस माने ब्लैक फंगस। एई फंगस बा फिम्पी फ्रिज रे थिबा खाद्य पदार्थ को सहज रे जाइथाय। आउ एई खाद्य खाइले आपण सीधा सड़क ब्लैक फंगस रो शिकार हेबे। आज पर्यंत जो देश कोरोना सह युद्ध करुछे सेई देश रे ब्लैक फंगस रोग काया मिलाइछे। देश पई एही चैलेंज धीरे धीरे जटिल हेबर लागुछे। चिंता एथि पई कई भूताणु जो मृत्यु संख्या लगातार बढ़ुची। केवल बढ़ुनी, ब्लैक फंगस तर भयंकर रूप देखाइबा आरंभ कला। तेबे कण आपणक घर मध्य रहिछि ब्लैक फंगस रो टार्गेट रे जो फ्रिज रे आपण परिवार रखंती। एमिते प्रश्न उठुछि कि फ्रिज रो मैला रु कण हेबो ब्लैक फंगस। देशरे कोरोना भळी भयंकर रोग परे ब्लैक फंगस रो भय चैलेंज रो पहाड़ ठिया करिछि। तेणु भाइराल मेसेज घरे घरे ब्लैक फंगस हेबो बोली डराइ देलानि। म्यूकर माइकोसिस एक जटिल संक्रमण। म्यूकर फिम्पीरु एहा होइथाय। माटी, उद्भिद, खत, सड़ी जाइथिबा फल और पनीपरिवार जमी थाए। डाक्तरंक मुताबिक एहि फंगस सबुठि थाए। सुस्थ मनुष्य नाकरे भी एहि फंगस मिडिथाए। साइनस, मस्तिष्क और फुसफुस को प्रभावित करिथाय। डायबिटीज आक्रांत, इम्यूनिटी कम थिबा लोकंक पई घातक होइथाय। एथिरे मृत्यु हार 50% पर्यंत जाइथाय। लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको ऑपरचुनिस्टिक फंगस कहते हैं कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ताहले कोन आपणक फ्रिज रे मध्य ब्लैक फंगस देखिबा को मिलिबो। ये एक फैक्ट है कि ये फंगस वाकई में कोई भी जगह जो कंजेस्टेड होगी, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा और जहां पे धूप नहीं आ रही होगी, वहां पे ये ग्रो करेगा। तो अपने घर के वेंटिलेशन का हम लोग पूरा ख्याल रखें। ये कोशिश करें कि अपने घर की खिड़कियां खुली रखें ताकि धूप आ सके। और ये सभी जगह, जैसे कि बाथरूम की नालियां, या हम लोग फ्रिज की सफाई नहीं करते हैं, या नलों के नीचे काई जमा हो रही होती है, इन सबको हम लोग साफ करें। मैं बताती हूँ मरीजों को कि आपको एनीवेज इन चीज़ों को साफ करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली ये सोर्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है, मगर ये समय है जिसमें हम लोग हाइजीन को हर तरीके से मेंटेन करके रखें। भावार्थ पूरा सरल स्पष्ट हो गला कि जेते घर को सफा सुथरा रखिबे ब्लैक फंगस रोग ठारु सेते दूरे रही परिबे। खास करी घरोई सामग्री यहाँ छड़ा कहा पाखरे ब्लैक फंगस लक्षण देखा गले तबे तुरंत डाक्तरंक सह संपर्क करंतु। अनेक समय औषध रे भी एहार चिकित्सा होइथाय। किसी क्षेत्र रे ऑपरेशन भी करिबाकु पड़िथाय। एमितिरे भारत सरकार दावी करिछंति कि एही रोग सह कोरोनार कोनोसी संपर्क नाही। कोरोना कारणरु एही रोग आक्रांत करिनथाय। ब्लैक फंगस बिल्कुल
ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है, और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। मोटामोटी भाव कहवाक गले ब्लैक फंगस को डरंतु ना, बरम सतर्क रहा जरूरी, सावधानता ही रोग बचार उपाय। न्यूज 18 रा जांच रे खबर ठीक प्रमाणित हला। एबे समय होइछि आउ एक ब्रेक रो, फिरिले जानिबा आउ एक वायरल खबर पछर सत जेथे दाबी करा जाउछि। सोशल मीडिया रे ऑक्सीमीटर स्कैम, बाजार रे नकली ऑक्सीमीटर बिक्री होतवा दाबी। ए ना त आपण सुनिथिबे निश्चय, कोरोनार द्वितीय लहर रे ऑक्सीमीटर बा पल्स ऑक्सीमीटर प्रत्येक घरे गोटे गोटे उपयोगी जिनिस होइ जाइछि। ए मशीन सहाय्य रे आक्रांतक शरीर रे अम्लजन स्तर रो जांच करि होउछि। मात्र किसी सेकेंड फलाफल भी बाहरी जाए, यह भितर अनेक वीडियो रे ऑक्सीमीटर कार्यदक्षता उपरे प्रश्न उठा जाए, जो थे केते बड़े पेन तो केते बड़े पेंसिल रे मध्य अम्लजान स्तर मपा जाए। चिंतार कथा कि ऑक्सीमीटर यह सब निर्जीव वस्तुर अम्लजान स्तर मध्य देखा। सोशल मीडिया रे यहाँ ऑक्सीमीटर स्कैम रो ना दिया जाए। तबे बाजार रे कौन नकली ऑक्सीमीटर बिक्री हेउछि? अरे कौन एमती भी होई परिबो? ऑक्सीमीटर रो एपरी प्रयोग आश्चर्य करुछि। कोरोना महामारी समय रे बाजार रे ढेर बिक्री होतुबा ऑक्सीमीटर पेन पेंसिल रो पल्स रेट ओ अम्लजान स्तर मापी परुछि। पेन पेंसिल पर्यंत ठीक अछि, किंतु एबे एही वीडियो देखंतु। एठी तो पकोड़ा रे अम्लजान स्तर मपा जाउछि। आश्चर्य सेते बेले लागिला जेते बेले ऑक्सीमीटर पकोड़ा रे अम्लजान स्तर देखाइला, आ ऑक्सीजन 92 रु बढ़ी बढ़ी 99 पर्यंत आसी गला। और देखिए इसमें पकौड़ा डाला गया है, गरम गरम पकौड़ा डाला गया है, हल्का गरम है, और देखिए फिर भी ये चल रहा है। अभी आपको देखिए सामने ये आ गया, ये चल रहा है, ये आपको पल्स बता रहा है ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर रे अंगुली को किसी समय रखिला परे रक्त और फुसफुस रे ऑक्सीजन रो स्तर और मात्रा सुचाई थाए, किंतु सोशल मीडिया रे दावी करा जाउछि कि बाजार रे नकली और खराब क्वालिटी रो ऑक्सीमीटर बिक्री हेउछि, जेउंथे पेन पेंसिल टूथब्रश किंवा जेकोसी जिनस रखिले ता अम्लजान स्तर देखाउछि। मेसेज रे कुहा जाइछि आपनकु अम्लजान नारे मूर्ख करि दिया जाउछि। आपण निजे देखंतु ऑक्सीमीटर एते बुद्धिमान कि पेन और पकोड़ा को जीवंत करि देउछि। ऑक्सीमीटर नारे आपण कोन किणुछंती? एहा ऑक्सीमीटर स्कैम। रक्त रे ऑक्सीजन मात्रा मापिबा कोरोना समय रे नित्यंत जरूरी। एमित्रे एही छोट मशीन अल्प समय रे ओ बिना कष्ट रे आपणक शरीर रे अम्लजान स्तर और हृस्पंदन रो सूचना देई थाए। किंतु वायरल वीडियो देखिला परे ऑक्सीमीटर रो विश्वसनीयता उपरे प्रश्न उठुछे, कारण एही ऑक्सीमीटर आक्रांतक जीवन को विपद रे पकाई पारे। एमित्रे प्रश्न उठुछे कि ऑक्सीमीटर रे पेन किंवा पेंसिल रखिले अम्लजान स्तर केमिति दर्शाउछे? बाजार रे कोन नकली ऑक्सीमीटर बिक्री हेउछि? आउ जदि हां तबे असली और नकली ऑक्सीमीटर मध्य रे फरक कोन? प्रकृत रे घटना कोन? आमे हर जांच आरंभ करू। आउ जांच समय रे ब्रिटिश साइट रु एक रिसर्च पेपर मिलिला, जेउथरे कुहा जाइछि कि पल्स ऑक्सीमीटर प्रकृत रे केमिति काम करी थाए। प्रकृत रे पल्स ऑक्सीमीटर रे अंगुली पुराइले तहा दुई प्रकार रो आलोक रश्मि छाडी थाए, प्रथम इन्फ्रारेड लाइट और द्वितीय रे एक लाल रश्मि, और तल भाग रे एक फोटो सेंसर लगा जाई थाए। फोटो सेंसर रो काम एही दुई रश्मि को परखिबा, आम अंगुली देई केते रश्मि
फोटो सेंसर जाए पहुंची थाए एही आधार रे ऑक्सीमीटर मशीन अम्लजन स्तर दर्शाई थाए। रक्तर रंग जेते अधिक लाल होइथाए शरीर रे अम्लजन स्तर सेतिक अधिक थाए। ठीक सही परे मशीन रे पेन किमा पेंसिल देले भ्रमरे पड़ी जाए ऑक्सीमीटर, कारण किछ ना किछ रश्मि फोटो सेंसर जाए पहुंची थाए आ एही रश्मि आधार रे मशीन कोनोसी ना कोनोसी एक संख्या दर्शाई थाए जहार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि। किंतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ राय किछ अलगा। डाक्तर कहिबा अनुसार कोरोना समय ऑक्सीमीटर चाहिदा वृद्धि कारण बाजार में नकली और निम्नमान मशीन बिक्री जोर बढ़ी जाए। अगर आप गौर से देखें तो एक लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, अंदर जल रही है और ये लाइट इसमें जब हम इसको ऑन करते हैं तो जलने लगती है और ये लाइट हमारी उंगली के थ्रू इसका सेंसर है उसमें पास होती है और ये लाइट पास होने के बाद ये बताती है कि लाइव ऑर्गन है और उसका सेचुरेशन कितना है। अगर लाइव ऑर्गन नहीं होगा, इस तरह की पेंसिल होगी तो ये बताएगी फिंगर आउट और जीरो सेचुरेशन बताएगी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई अन लाइव चीज़ हो और वो कहे कि इसका सेचुरेशन है। अगर ऐसा ये दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये घटिया है, ये नकली है, इसकी लाइट और सेंसर खराब है। इतने स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीमीटर रे अंगुली पेन किमा पेंसिल जहाँ भी भर्ती करंतु यार फोटो सेंसर काम करिबा आरंभ करे और मशीन रो ऊपरी भाग रो आसुतबा रश्मि को पढ़िबा आरंभ करे। जति कि रश्मि फोटो सेंसर पर्यंत पहुंचे ऑक्सीमीटर किछि ना किछि संख्या देखाई दे। किंतु यह भी असंभव नुहे कि बाजार रे निम्नमान रो ऑक्सीमीटर बिक्री हेनो थबो, तेनु अम्लजन स्तर मापिबा पई आपण कोनोसी भरोसाजुग ऑक्सीमीटर किनंतु भलो भाबरे यार गुणवत्ता को परखंतु। न्यूज 18 रो जांच रे किंतु ए खबर रे आमे द्वंद्व रे पड़ी गलु।